नमस्कार दोस्तों, टेक सीरंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक जियो कंपनी का ऐप 320 मोबाइल आया है जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों ये हैंडसेट में नेटवर्क नहीं आ रहा है। कस्टमर जिस कंडीशन में दिया है वही कंडीशन में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिम में क्रॉस मार्क आ रहा है जो कि अभी इसमें सिम नहीं लगा है। दिखा देता हूँ बैटरी कवर को ओपन करके। देखिए बैटरी को रिमूव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्टिकर में कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सिम भी नहीं लगा है। तो चलिए सबसे पहले सिम को इंसर्ट करते हैं मोबाइल पे और देखते हैं मोबाइल को चालू करके इसमें नेटवर्क आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल को मैं चालू कर लेता हूँ, उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ ये मोबाइल किसी दुकान से रिटर्न आया है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, पीछे साइड से कुछ लिखा हुआ है, कुछ नाम वाम लिखा है, उससे पता चल रहा है कि ये किसी दुकान में गया था जिसमें रिपेयर हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों मैं जब चेक करूंगा आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं मोबाइल कम्प्लीटली चालू हो गया है और यहां पे दोस्तों देख सकते हैं इसमें जहां नेटवर्क आना चाहिए यहां पे क्रॉस मार्क आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं फोकस कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे फोकस कर लिया हूँ और यहाँ पे जहाँ नेटवर्क शो होना चाहिए यहाँ पे क्रॉस मार्क आ रहा है। इसका मतलब इसमें नो नेटवर्क या फिर नो सर्विस का प्रॉब्लम आया है जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो पे जियो ऐप 320 में नो नेटवर्क, नो सिग्नल, नो सर्विस का प्रॉब्लम आए तो कैसे रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में कम्प्लीटली जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे IMEI को मैं चेक कर लेता हूँ और आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं स्टार है 06H, प्रेस करने के बाद यहाँ पे पहले 0 आया, उसके बाद IMEI भी शो कर रहा है। इसका मतलब इसमें एक बार IMEI शो कर रहा है उसके बाद 0 दिखा रहा है, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम इसमें IMEI 0 ही बताता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं सेटिंग में जाके डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद थोड़ा सा और आपको नेटवर्क सेटिंग में जाके दिखा रहा हूँ। देखिए नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे भी हाइड हो गया है जो कि नेटवर्क सेटिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए मोबाइल नेटवर्क एंड डाटा ये हाइड हो गया है, देख सकते हैं इसमें क्लिक नहीं हो रहा है या फिर ओके नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें सिम डिटेक्ट कर रहा है लेकिन इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए फिर से मैं सेटिंग में गया, उसके बाद डिवाइस मैनेजर या फिर डिवाइस इन्फॉर्मेशन में गया, उसके बाद मॉडल नंबर शो कर रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट शो कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। मोर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं IMEI नॉट अवेलेबल बता रहे हैं और इसके बाद जो बेसमेंट स्टाटस है इसको देख सकते हैं, बेसमेंट स्टाटस बिल्कुल ओके है। यहाँ से सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है या फिर ये मोबाइल से सॉफ्टवेयर से कुछ इशू नहीं है, जो भी इसमें इशू है ये हार्डवेयर से इशू हो सकता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में लाइफ कंपनी का जियो ऐप 320 जिसमें नो नेटवर्क, नो सर्विस, नो सिग्नल का प्रॉब्लम आए तो कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं ये वीडियो में कम्प्लीटली जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको मैं IMEI को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार 0 आया, उसके बाद फिर IMEI शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो ये 100% हार्डवेयर से प्रॉब्लम हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको IMEI इसका शो करवा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, फिर से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब इसमें जब भी चेक करता हूँ तो पहला बार तो इसमें 0 दिखाता है, उसके बाद IMEI शो हो जाता है, फिर से 0 दिखाता है, फिर से IMEI शो हो जाता है, कभी कभार टोटली 0 दिखाता है, कभी कभार IMEI शो होता ही नहीं। तो दोस्तों ये हार्डवेयर से इशू है और हार्डवेयर में क्या प्रॉब्लम है इसको फाइंड करेंगे, खोलेंगे, खोलने के बाद इसको फाइंड करेंगे, डायग्नोस करेंगे, देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम आया है, उसके बाद इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मोबाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में जब रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम में बारिश हो रहा था तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज हो सकता है, उसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप कब देखना चाहते हैं, किस टाइम में देखना चाहते हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों मैं शाम को 6 बजे अपलोड करता हूं और आप मेरे वीडियो को देख नहीं रहे हैं। यहां से मैं YouTube स्टूडियो से मैं एनालाइज कर रहा हूं तो वहां से पता चल रहा है कि आप मेरे वीडियो को 12 से 2 बजे के अंदर देखना चाहते हैं।
तो दोस्तों अगर टाइमिंग चेंज करना है तो मेरे को डायरेक्टली टाइमिंग लिखिए और कमेंट में बताइए, मैं उसी टाइम में आपके पास भेजने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क सेक्शन को और मोबाइल को मैं कम्प्लीटली ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, चलिए माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसमें क्या इशू आया है। जैसे कि दोस्तों ये सेट में नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये नेटवर्क सेक्शन को हम लोग डायग्नोस करना होगा और माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा आई व्यू लेते हैं, आई स्कैनिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं WTR IC के आसपास पेस्ट लगा है, देखिए आसपास दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेस्ट लगा है, इसका मतलब ये 100% किसी दुकान से रिटर्न आया है। हमको उससे मतलब नहीं है क्योंकि दोस्तों मेरे पास अगर सेट आया है तो मैं कैसे रिपेयर करके दूंगा कस्टमर को, ये मेरा टेंशन है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टिन लगा हुआ है और एक्स्ट्रा यहाँ पे लग गया है जो कि WTR को निकालने के समय में ये लग गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे WTR में काम हुआ है, आपको यहाँ से देख के पता चल रहा होगा, यहाँ पे पेस्ट भी लगा है और इसमें सोल्डिंग भी हुआ है, देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कीपैड का पत्ता है इसको रिमूव करते हैं और सीधा WTR में काम करते हैं, पहले साफ़ सफाई करके देख लेते हैं कहाँ से इशू आया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे WTR को रिमूव करेंगे, उसके बाद एक WTR को पेस्ट करेंगे, वहाँ पे लगा के देखेंगे WTR के कारण से इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद इसको डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों WTR IC जियो सेट में 100% ख़राब हो जाता है जिस कारण से इसमें नेटवर्क का इशू बहुत ही ज़्यादा इसमें निकल के सामने आता है। तो चलिए दोस्तों ये WTR IC को रिमूव करते हैं, यहाँ पे फ्लक्स डाल दिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं हीट डाल के इसको WTR को रिमूव करूँगा। देखिए दोस्तों ये WTR को रिमूव करने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ किस कंडीशन में ये WTR लगा था ये मोबाइल पे। देखिए दोस्तों ये WTR IC को रिमूव करने के बाद देख सकते हैं ये WTR का बॉल कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों ये मार्केट में जाने के बाद इस टाइप का काम हो रहा है जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। मार्केट में कुछ भी काम हो रहा है, मतलब चालू हैंडसेट को ख़राब किया जा रहा है, हैंडसेट को ऐसा कर दे रहे हैं तो मार्केट में ये रिकवर नहीं हो पा रहा है और ये सही जगह पर नहीं पहुँच पा रहा है जिस कारण से हैंडसेट रिपेयर नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो दोस्तों आप अगर टेक्नीशियन हैं, काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो को ज़रूर देखें, अगर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से काम कीजिए वरना मत खोलिए हैंडसेट को। क्योंकि दोस्तों ये हैंडसेट को खोलेंगे अगर आप रिपेयर नहीं हो पाया आपसे तो दूसरा किसी टेक्नीशियन के पास जाता है तो उसको देखने के बाद उसको पता चल जाता है कि ये किसी टेक्नीशियन के पास गया था, उसके बाद इससे मतलब मन ही हट जाता है काम करने का। अगर दोस्तों आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए, काम कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% ओके कीजिए, उसके बाद नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, उसमें ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि जिस भाई के पास ये वीडियो पहुँच रहा है, ये वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, जिस भाई के पास ये वीडियो पहुँच रहा है बिल्कुल काम कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से काम कीजिए वरना सेट रखिए मत या फिर खोलिए मत। अगर ऐसा कंडीशन करेंगे तो काम होने वाला काम भी बिगड़ जाता है और हो नहीं पाता है। तो दोस्तों नेटवर्क सेक्शन में एक भी कैपेसिटर मिसिंग होगा तो नेटवर्क नहीं आएगा या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर काम कर रहे हैं बिल्कुल 100% काम कीजिए जो कि आपका स्किल भी बढ़ेगा और आपसे एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। अगर काम आपको नहीं आता तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, काम को रखें मत। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था और आज की ये वीडियो में दिखाया कि मार्केट में किस टाइप का काम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक WTR को पेस्ट करते हैं और जो मेरे पास लाइव कंपनी का जियो 320 आया था, ऐप 320 मॉडल आया था जिसमें नेटवर्क नहीं आया था, नेटवर्क का इशू आ रहा था, ये सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा ये WTR IC को फिक्स करने के बाद पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे WTR IC को पेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं WTR IC पेस्ट करने के बाद नेटवर्क इशू जो आया था ये फिक्स हो गया या फिर नहीं हुआ। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट करके छोड़ दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सोमवार
बुधवार और शुक्रवार शाम के 6 बजे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को किस टाइम में देखना चाहते हैं कमेंट में लिखिए टाइमिंग और मेरे को मैसेज कीजिए। जिसका ज़्यादा टाइम आएगा उसी टाइम में वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे जियो ऐप 320 जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था और इसमें चेक करने के बाद, बेसिक टेस्ट करने के बाद इसमें आईएमई कभी आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, कभी शो कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था। तो इसका मेन रीज़न है ये WTR। ये WTR IC ठीक से लगा नहीं था, जो कि आपको मैं दिखाया बोर्ड को ओपन करने के बाद, इसमें WTR को रिमूव करने के बाद, और इसमें अभी नया WTR को एक लगा रहे हैं। इसको लगाने के बाद फाइनल रिजल्ट देखेंगे। इसमें जो इसमें आईएमई नहीं आ रहा था और नेटवर्क में इसमें क्रॉस मार्क आ रहा था, फाइनली पता चलेगा ये WTR को पेस्ट करने के बाद। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं WTR को लगा दिया हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, शेक कर लेता हूँ, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा शेक कर रहा हूँ और यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि ये WTR IC 100% फिक्स्ड हो गया है। देख सकते हैं थोड़ा सा शेक हो रहा है और बहुत ईजीली शेक हो रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये IC बिल्कुल परफेक्टली बैठ गया है मदरबोर्ड पे। तो दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर दिया, उसके बाद इसको फ्रेम में फिट करते हैं और देखते हैं नेटवर्क आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों इसका कीपैड स्ट्रिप्स को लगाते हैं, कीपैड पत्ता को लगा देते हैं, उसके बाद हम इस सेट को ऑन करके देखेंगे। देखिए ये फ्रेम में फिटिंग करने के बाद इसमें एक सिम भी लगा देते हैं। देखिए मैं सिम को भी सेट कर रहा हूँ, सिम को भी डाल दे रहा हूँ ताकि पता चले कि इसमें नेटवर्क इशू जो आया था ये 100% फिक्स हो गया, सही हो गया या फिर नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, मोबाइल को मैं ऑन कर लिया हूँ, देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखिए तो दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल अभी इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। मोबाइल तो ऑन हो गया है कम्प्लीटली, लेकिन पहले यहाँ पे क्रॉस मार्क आ रहा था, देख सकते हैं अभी इसमें नेटवर्क रनिंग हो रहा है। देख सकते हैं नेटवर्क रनिंग हुआ है और यहाँ पे जियो 4G लिखा आ गया है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। तो दोस्तों यहाँ से पता चल गया कि ये WTR IC की वजह से इसमें IMEI कभी आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे हमको पता चल गया और एक चीज़ सीखने के लिए मिला कि WTR अगर ख़राब हो जाता है तो कभी 0 IMEI आएगा या फिर कभी IMEI शो करेगा और नेटवर्क में क्रॉस मार्क आएगा ही आएगा, क्योंकि दोस्तों ये नेटवर्क इशू आया था और इसमें WTR का इशू था जिसमें ठीक से WTR बैठा नहीं था। तो दोस्तों आज की वीडियो पे जियो ऐप 320 में जो नो नेटवर्क या फिर नेटवर्क क्रॉस मार्क या फिर नो सिग्नल प्रॉब्लम आए तो कैसे रिपेयर करना है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश किया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।